हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टॉप 10 क्लासेस के क्रैश कोर्स में। गाइस, जैसा कि कल हम लोग मानव जीनोम परियोजना, उसके लक्ष्य तथा उसमें भाग लेने वाले संस्थान तथा उसके उपयोग के बारे में पढ़ लिए थे, आज जो हम लोगों का टॉपिक है वह है डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए अंगुली छाप। तो गाइज, आज का हम लोगों का टॉपिक डीएनए अंगुली छाप है, तो आज से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज, पहले हम लोग लिखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट, यह दो प्रकार का होता है, डीएनए फिंगर प्रिंट यह दो प्रकार का होता है। एक होता है बल्क डीएनए और एक होता है सैटेलाइट डीएनए। गाइज, ये हमारे शरीर में जो होता है 99.9% इक्वल होता है, और जो सैटेलाइट डीएनए होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है मिनी सैटेलाइट डीएनए और एक होता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। गाइज, इसे हम लोग बोलते हैं VNTR और इसे हम लोग बोलते हैं STR। इसका मतलब होता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, और इसका मतलब होता है शॉर्ट टेंडम, शॉर्ट टेंडम रिपीट। गाइज, हो गया हम लोगों का डीएनए फिंगरप्रिंट के प्रकार। गाइज, या बल्क डीएनए हम लोगों के शरीर में जो होता है इसकी मात्रा या इसकी समानता 99.9% होती है, और जो 0.1% होता है सैटेलाइट डीएनए, यह हम लोगों का कोडिंग का कार्य करता है, यह हमारे शरीर में कोडिंग का कार्य करता है, कोडिंग का कार्य करता है। अब इसलिए हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह जो है यह दो प्रकार का होता है, एक मिनी सैटेलाइट डीएनए जिसे हम लोग बोलते हैं VNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, और एक होता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए STR जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट। गाइज, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यह जो डीएनए फिंगरप्रिंट का यह प्रक्रम है, जैसे हम लोगों को कहीं से किसी का खून हुआ है या फिर हम लोगों को कहीं से डीएनए का सैंपल मिलता है, तो हम लोग उसका एक, अब जैसे एक सैंपल है, अगर हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसके बारे में खोज रहे हैं, अगर किसी कारणवश वह समाप्त हो गया तो हमारे पास कोई और चांस नहीं रहेगा। तो इसके द्वारा जो है हम लोग जो इसके द्वारा उसका ढेर सारा कॉपी बना लेते हैं, जो हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट जो हम लोगों को कहीं से डीएनए का मिला है, हम लोग उसका ढेर सारा फोटोकॉपी बना लेते हैं। जैसे अगर एक खत्म हो गया या एक खत्म हो गया तो हम लोग दूसरे के द्वारा उस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो गाइज, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम लोगों को पहले जो हम लोगों का डीएनए होता है यह ऋणावेशित होता है, डीएनए पर ऋणावेशित चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, डीएनए पर ऋणावेशित चार्ज होता है। तो पहले अब हम लोगों को डीएनए मिला, तो अब पहले हम लोग डीएनए का डीएनए पर ऋण आवेशित होता है, तो पहले इसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र में लेके जाएंगे, इसका हम लोग इलेक्ट्रोड में लेके जाएंगे। यहाँ पर होता है प्लस भाग, यहाँ पर होता है माइनस भाग। तो
तो जो हम लोगों को पहले इसमें जो डीएनए के छोटे बड़े खंड रहते हैं, हम लोग डीएनए के छोटे बड़े खंड को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो डीएनए पर माइनस चार्ज होता है, तो जो यहाँ पर मान लीजिए डीएनए के बड़े बड़े भाग हैं ये यहीं पे रह जाएंगे, और जो डीएनए के छोटे छोटे भाग हैं वो यहाँ प्लस भाग की तरफ चले आएंगे। जो डीएनए के छोटे छोटे भाग हैं वहाँ प्लस भाग की तरफ चले आएंगे, और जो डीएनए के बड़े बड़े भाग हैं वो यहीं पे रह जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ से डीएनए के जो छोटे बड़े भाग हैं उनको अलग कर लिए हैं। यहाँ पर जो हम लोगों का डीएनए का बड़ा भाग है यहीं पर रह जाएगा, और जो प्लस वाले क्षेत्र की तरफ डीएनए के छोटे छोटे भाग रहेंगे वो यहाँ चले आएंगे। अब हम लोग डीएनए के छोटे बड़े खंड को अलग कर लिए हैं। अब इसके पश्चात हम लोग दूसरा इसका ब्लॉटिंग करेंगे। इसको अब हम लोग ब्लॉटिंग करेंगे नाइट्रोसेलुलोज के द्वारा, नाइट्रोसेलुलोज के द्वारा अब हम लोग इसका ब्लॉटिंग करेंगे। मतलब अभी हम लोगों का यह छोटा भाग अलग हो गया, बड़ा भाग अलग हो गया, तो अब हम लोग इसको अलग कर लेंगे, मतलब इसकी छपाई कर लेंगे। अब हम लोगों का यह छपाई कर लिए, नाइट्रोसेलुलेज की एक परत होती है, जैसे यहाँ पर छोटा बड़ा भाग अलग हुआ, फिर उसको नाइट्रोसेलुलेज की परत की सहायता से उसके ऊपर उसकी छपाई कर देते हैं। फिर इसके पश्चात जो हम लोगों का तीसरा आता है, हम लोग इसे प्रोब के प्रक्रम से गुजारते हैं। प्रोब के प्रक्रम से जो प्रोब होता है वह कंप्लीमेंट्री ऑफ वीएनटीआर का होता है, कंप्लीमेंट्री ऑफ वीएनटीआर। और गाइस आप लोग जानते होंगे वीएनटीआर का मतलब होता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। तो इसके पश्चात हम लोग इसे प्रोब से होकर गुजारते हैं, जो प्रोब होता है वह कंप्लीमेंट्री ऑफ VNTR, VNTR का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। फिर इसके पश्चात अब हम लोग, या हम लोगों का तीन प्रक्रम हो गया। पहला हम लोग इसको मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थापित करेंगे, जहां पर जो डीएनए का बड़ा वाला भाग रहेगा वो यहीं पर रह जाएगा, और जो डीएनए का छोटा भाग रहेगा वो प्लस भाग की तरफ चला आएगा। अब इसमें डीएनए के हम लोग डीएनए के छोटे व बड़े खंडों को अलग कर लेते हैं। डीएनए के छोटे व बड़े खंडों को अलग कर लेते हैं। यहाँ से जो हम लोगों का डीएनए का छोटा व बड़ा खंड है यहाँ से हम लोग इसे अलग कर लेंगे। फिर दूसरा इसे ब्लॉटिंग कर देंगे नाइट्रोसेलुलेज पर, इसकी छपाई कर देंगे। फिर तीसरा इसे प्रोब से होकर गुजार देंगे, जो प्रोब होता है वह कंप्लीमेंट्री ऑफ डीएनए का होता है। फिर इसके बाद हम लोग इसे ऑटो रेडियोग्राफी। पहले यह प्रोब के प्रक्रम से गुजारेंगे तो भैया हम लोगों को देखने लायक नहीं रहेगा, फिर इसका हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी कर देंगे, तब यह जो हम लोगों का डीएनए होता है इसे हम लोग देख सकते हैं। जो हम लोगों का डीएनए होता है यह देखने लायक हो जाता है, इसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से या अन्य किसी यंत्र की सहायता से इसके बारे में खोजते हैं। देखने लायक हो जाता है। गाइस यह हो गया हम लोगों का डीएनए फिंगरप्रिंट का पूरा प्रक्रम। पहले डीएनए दो प्रकार का होता है, एक होता है बल्क डीएनए, एक होता है सैटेलाइट डीएनए। बल्क डीएनए का हम लोगों के जीन में 99.9% भाग होता है, या हम लोगों के जीन में 99.9% समान रहता है। और जो दूसरा है वह है सैटेलाइट डीएनए 0.1 होता है, तथा यह हमारे शरीर में कोडिंग का कार्य करता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है मिनी सैटेलाइट डीएनए, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। इसे हम लोग बोलते हैं VNTR वंटर, और इसे हम लोग बोलते हैं STR। इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, और इसका होता है शॉर्ट टेंडम रिपीट। अब हम लोग डीएनए को
डीएनए को मतलब हम लोगों का एक भाग है, अब हम लोग डीएनए का फोटो कापी करने के लिए इन सभी प्रक्रमों से होकर इसे गुजारते हैं, तब मतलब अब हम लोगों को यहाँ पर जो डीएनए है वह देखने लायक मिल गया है। अब डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग हम लोग कानूनी अपराधों को सुलझाने के लिए तथा एक दूसरे के जीन की तुलना करने के लिए हुआ, बड़े बड़े हत्याओं में जो बड़े बड़े हत्या होती है उनकी खोज करने के लिए किया जाता है। जैसे गाइस, जैसे किसी का खून हुआ है तो उसकी जांच हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा करते हैं। जैसे मान लीजिए यह है व्यक्ति ए जिसका डीएनए स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आ रहा है, मान लीजिए इसका डीएनए स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है तथा हम लोगों को खून जिसने किया है उसके ऊपर शक है, तो हम लोग उसे लेकर आते हैं। मान लीजिए दो लोगों के ऊपर शक है, एक है बी एक है सी, एक है बी एक है सी, तो हम लोग पहले जो जिसका हत्या हुआ रहेगा हम लोग उसके डीएनए को चेक कर लेंगे, उसका डीएनए कुछ इस प्रकार से रीडिंग होगा, उसका डीएनए कुछ इस प्रकार से रीडिंग होगा। तो जब हम लोग इसके डीएनए को चेक कर लिए, अब इनके डीएनए को चेक करेंगे, या फिर ये लोग समझ लिए इनका खून किए हैं, तो हम लोगों को पता करना है कि इनमें से कौन खूनी है, तो हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट की सहायता से इसका पहचान करते हैं। तो गाइस यह हो गया बी, मान लीजिए इसका भी स्ट्रक्चर इसी के समान आ रहा है और इसका जो है इसका भिन्न है, तो इससे यह पता चलेगा कि मान लीजिए इसकी हत्या इन्होंने नहीं की है और इसने नहीं की है, तो इससे हम लोगों को पता चल जाएगा। वह इससे हम लोगों का एक और चीज़ पता चल जाएगा, जैसे कोई बेटा है और उसका जो पिता है वह बोल रहा है यह हमारा बेटा नहीं है, तो इसके द्वारा हम लोग इसके समस्याओं को सुलझा सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग बेटे का डीएनए लेंगे व उसके पिता का डीएनए लेंगे, या हम लोग बेटे का डीएनए लेंगे या उसके पिता का डीएनए लेंगे, बेटे का डीएनए लेंगे व पिता का डीएनए लेंगे। बेटे का डीएनए लेने के पश्चात हम लोग उसका इन सभी प्रक्रमों से ब्लॉटिंग, इसके बाद उसका छपाई करेंगे नाइट्रोसेलुलेज के परत पर, फिर उसका हम लोग अध्ययन करेंगे या बेटे का कुछ इस प्रकार से रीडिंग आता है डीएनए का, और जो फादर का है डीएनए का रीडिंग वह भी इसी के समान मिल रहा है, तो हम लोग जान जाएंगे कि यह जो बेटा है वह इसी का है। इसका उपयोग कानूनी अपराधी मामलों को सुलझाने में किया जाता है, कानूनी समस्याओं को सुलझाने में किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग बड़े बड़े कानूनी अपराधों को सुलझाने में किया जाता है, वह सही पैतृकता की पहचान के लिए किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग बड़े बड़े कानूनी अपराधों बड़े बड़े कानूनी अपराधों को सुलझाने में किया जाता है, को सुलझाने में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग पैतृकता की पहचान के लिए किया जाता है। गाइस यह हो गया हम लोगों का उपयोग पहला, बड़े बड़े कानूनी अपराधों को सुलझाने में किया जाता है, वह दूसरा इसका उपयोग पैतृकता की पहचान के लिए किया जाता है। तो गाइस एक बार फिर से हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में पढ़ रहे हैं, यह दो प्रकार का होता है, एक होता है बल्क डीएनए, एक होता है सैटेलाइट डीएनए। बल्क डीएनए की मात्रा 99.9% होती है, समान होता है, इसलिए हम लोग इसके बारे में अध्ययन नहीं करते हैं।
अब जो हम लोगों का सेटेलाइट डीएनए होता है या 0.1% होता है तथा यह हमारे जीन में कोडिंग का कार्य करता है, इसलिए हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो हम लोगों का सेटेलाइट डीएनए है दो प्रकार का होता है, एक मिनी सेटेलाइट डीएनए, एक माइक्रो सेटेलाइट डीएनए। मिनी सेटेलाइट डीएनए को हम लोग बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, और जो माइक्रो सेटेलाइट डीएनए होता है इसे हम लोग बोलते हैं STR, शॉर्ट टेंडम रिपीट। इसके पश्चात हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग जो होता है इन सभी समस्याओं को समाधान करने में होता है, वह अब हम लोग इस प्रक्रम के द्वारा डीएनए के ढेर सारे फोटोकॉपी को बना लेते हैं तथा हम लोग जो प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्व करते हैं। तो आई होप वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वह चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।